पुराने शहर में रियासती यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र के जरिए तेलंगाना आज़ादी का दिन बेरोजगारी के जश्न के तौर पर मनाया गया। शैलेंद्र ने कहा है कि मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके आवाम को धोखा दिया है। एक जानी बढ़ती हुई कीमतों में मुसलसिल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल है। इन्होंने कहा है कि रियासत या मुल्क के बेरोजगार लोग हुकूमत की मनमानियों को भुगत रहे हैं। मजीद शैलेंद्र ने कहा है कि मोदी मुल्क की कई सारी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों में तब्दील कर रहे हैं और कहा है कि आज मैं मोदी मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज में तेलंगाना आज़ादी का दिन बेरोजगारी के दिन के तौर पर मना रहा हूँ। आइए देखते हैं इस खसूस में मजीद तफसील। इसी तरह की मजीद तफसीलात के लिए हमें चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें और फेसबुक पर फॉलो करें। मैडम देखिए, आज पीएम मोदी जी का जन्मदिन है और यहाँ चार मीनार पे मैं अपने भाई बहनों के साथ एक कड़ा प्रोटेस्ट कर रही हूँ बेरोजगारी के खिलाफ। हम उनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। मैंने एमएससी एमबीए किया हुआ है और उन्होंने मजबूर कर दिया है हमें सड़कों पे उतरने के लिए और बेरोजगार प्रदर्शन करने के लिए। आज युवा का भविष्य क्या है, मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती हूँ कि वो बोलते हैं कि चौकीदारी और पकौड़े तलने को भी बेरोजगार कहते हैं, तो मैं एक पढ़ी लिखी युवती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या वो हमें सड़कों पे झाड़ू लगवाना चाहते हैं? ये है उनके रोजगार देने का अवसर? आप मुझे बताइए, मीडिया के भाई आप मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाइए। ये युवा की आवाज़ों को दबाने का काम करते हैं और जुमलेबाजी वाली फेक सरकार है, फेक प्रोमिसेस करते हैं। नमस्कार, मैं शैलेंद्र, यूथ कांग्रेस। आज सितंबर 17 मोदी जी जो बर्थडे उनका सेलिब्रेट कर रहे, या देश के अंदर 1 लाख नौकरियां जो खाली पड़े हुए हैं, वो बेरोजगार जो युवा जो बेरोजगारी में जो परेशान है, वो लोग रोड पे परेशानी से जी रहे। और ये नरेंद्र मोदी कभी हमारे राहुल गांधी के टी शर्ट के लिए बात करते, बीजेपी के लोग उन लोगों को टी शर्ट दिखता, मगर हमारे बेरोजगार हमारे भाइया जो युवा भाई जो भारत देश के अंदर मुसीबत पे है, वो वैसे युवा के बारे में कोई सेंट्रल मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चमचे और वो स्मृति ईरानी जो है हमारे राहुल भाई के लिए जो बाता कर रहे, वो उनको आंखा खोल के पहले बेरोजगार के ऊपर ध्यान देना बोल के इस अवसर पर बोल रहा हूँ। और ये चामनार हमारा ओल्ड सिटी से मैं बीजेपी के पूरे इंडिया लेवल पार्टी लीडर्स को और स्टेट लेवल पार्टी लीडर्स को, बंडी संजय को और बाकी सब बीजेपी लीडर्स को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। पहले बेरोजगारी के ऊपर और नौजवान युवा जो परेशान है देश के अंदर और राष्ट्र के अंदर, उन लोगों के ऊपर ध्यान देना और उनके ऊपर कुछ आपके बड़े बड़े स्पीचेस, बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स जो रखते हैं आप लोग, झूठे वादे झूठे बाता, कभी मस्जिद के ऊपर कभी मंदिर के ऊपर नहीं, मंदिर से और मस्जिद से पैसे नहीं आते, रोज़गारी नहीं मिलती नौजवान को रोज़गारी। आप जो 1 लाख नौकरियां खाली पड़े हुए देश के अंदर, वो भर्ती करके आपका ताकत दिखाओ, आपको दम है तो वो देने के बाद में मीडिया के सामने, देश के सामने, युवा के सामने आने के लिए मैं ये इस अवसर पर बोलना चाहता हूँ।